हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड पुलाव। तो इस ब्रेड पुलाव को हमने कैसे बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले हमने ये प्याज काट ली है, बारीकी से काट ली है हमने ये एक प्याज। और ये टमाटर, ये लहसुन है, चार लहसुन की कली, और ये चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी पुलाव में। तो ये मैंने ब्रेड ले ली हैं, ये हमारे 1.5 पैकेट ब्रेड हैं। इनकी स्लिप्स हम नहीं निकालेंगे, इनको इसी तरह से हम काटेंगे, इनको कटिंग करेंगे चाकू की हेल्प से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इन्हें किस तरह से काटना है और किस चाकू से लेना है। तो ये देखो, ये हमारी ब्रेड रखी है, ये हमने 4 ब्रेड ले लिए हैं। तो इसे हम ऐसे काटेंगे इस तरीके से, आपको जैसा लगे, आप जैसे साइज में बड़ा छोटा, आप उस साइज में अपने अपने तरीके से आप काट सकते हो। मैं इसे बीच में से भी काट दूँगी ऐसे। मैं थोड़ा छोटे छोटे साइज कर रही हूँ, आपको छोटे नहीं अच्छे लगते तो आप बड़े साइज में भी काट सकते हो, बड़े पीसेस में भी काट सकते हो। तो मैंने इसे 3 पार्ट में काट लिया है, इस तरह से आपको काट लेना है इसको। तो इसी तरह मैं सारी ब्रेड्स को काट लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये तेल गरम हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें हम अपनी सबसे पहले इसमें हम लहसुन डालेंगे, क्योंकि अगर हम लहसुन को बाद में डालेंगे तो वो कच्चा रह सकता है, तो इसीलिए हमें पहले लहसुन को पकाना है, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा चला चला के इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे इसको, ज़्यादा काला नहीं करना है तड़के के जैसा। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। सारी प्याज डाल देंगे हम। ये एक बड़ी प्याज थी जिसको मैंने कट किया है, आप बड़े पीसेस में भी काट सकते हो। तो अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे इसको, रेड ब्राउन होने तक। इसी तरह से टमाटर हम इसमें अभी नहीं डालेंगे। देखो अब ये अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा और। अब इसमें हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें अब नमक डालेंगे, अपने स्वाद के हिसाब से। और थोड़ी सी नाक के बराबर हम इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी ज़्यादा ना डालें। इसमें हमने हल्दी भी डाल दी, ज़्यादा हल्दी ना डालें, थोड़ी सी ही डालें। क्यों, ज़्यादा हल्दी से जो वो सब्ज़ी वाला टेस्ट होता है वो आ जाएगा, तो इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब इसमें हम अपने टमाटर डाल देते हैं, हरी मिर्ची भी डाल देंगे, धनिया पत्ती अभी नहीं डालेंगे। ये सारी चीज़ों को मिलने के बाद जो हमारा पुलाव है वो रेडी हो जाएगा। धनिया पत्ती हम तब डालेंगे बाद में। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं, चला लेते हैं। अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये ब्रेड पुलाव बहुत अच्छा बनता है, 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर बच्चों का बच्चों स्कूल से आए बच्चे, तो छोटी मोटी भूख लगे तो आप इस तरह से बच्चों को बना के दे सकते हो घर पे, हल्का फुल्का नाश्ता है। अब इसमें हम अपनी ब्रेड डाल देंगे, सारी ब्रेड डाल देंगे।
अब इसमें आई नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया। इनको भी हम अभी इनको थोड़ा सा भून के उनको भी डाल देंगे। ये तो थोड़ी भाप से ही फिक हो जाती हैं, तो मैंने जो बची थी वो भी डाल दी। अगर आपको ज़्यादा मेहनत करने का मन ना हो तो आप इस तरह से पुलाव बना सकते हो, छोटा मोटा। ब्रेड की बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं, तो आज मैं आपको पुलाव बना के दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी ब्रेड की गुलाब जामुन। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करना। तो इसी तरह हम इनको अच्छे से मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखो कितनी ग्रेट हो गई है, बिल्कुल भी आँच नहीं रही, क्योंकि ये भुन के थोड़ी हार्श हो जाती हैं। तो मैंने इसीलिए इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो ऑयल वॉयल जो भी है वो थोड़ा थोड़ा यूज़ किया, तो ये सॉफ्ट की सॉफ्ट ही रहेंगी। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, जितना हमारा ऑयल था बाकी का जो मसाला था उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे बनाना है। तुम्हारी ब्रेड देखो यहाँ पे बन के बिल्कुल भी, ब्रेड पुलाव बिल्कुल भी रेडी है, कितना सॉफ्ट है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, देखो कितना अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो आप इस तरह एक बार ज़रूर बनाएं ब्रेड पुलाव। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को मेरी बहुत पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी वीडियो को लाइक करके जाना। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिखिए बाय बाय।